हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में, जिसमें मैं करवाती हूँ आपको एचटेट प्रीवियस ईयर कॉमर्स के पेपर। ठीक है, हर वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से याद हो जाते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है कि जो अदर ऑप्शन में जो कॉन्सेप्ट है, और इससे ना आपको लेवल का भी पता लगेगा कि एचटेट का लेवल क्या है। एचटेट का लेवल ना नेट से कम नहीं रह गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए। और अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा एचटेट में किस तरह के पेपर आते हैं। एचटेट का लेवल बिल्कुल नेट के लेवल जैसा हो गया है, बहुत ही मतलब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तुक्के मार के हम पास नहीं हो सकते। तो आज करते हैं हम एचटेट 2018 के सेट सी के क्वेश्चन, आज हम करेंगे 126 से लेकर 130 तक, तो बने रहिए मेरे साथ। 126 क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, विच वन इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि हमारा क्रेडिट नीति का घटक कौन सा नहीं है। नहीं है पे हमें जाना था, तो हमने मार्जिनल रेट पे हम चले गए हैं। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन थे वो तो थे, कंपोनेंट थे, तो अभी हम पढ़ेंगे कि अदर कंपोनेंट्स कौन से हमारे क्रेडिट पॉलिसी के। क्रेडिट पॉलिसी यानी कि एक फर्म के जो क्रेडिट पॉलिसी, उधार की जो नीति होती है ना, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। उधार की नीति के लिए सबसे पहले फर्म क्या देखेगी, टर्म ऑफ सेल, अपनी बिक्री की शर्तों को तय करेगी। द कंडीशन अंडर विच ए फर्म सेल्स इट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट। टर्म ऑफ सेल्स क्या होती है कि वो कंडीशन जिसके अंडर रहकर एक फर्म अपने गुड्स और सर्विसेज को ये डिसाइड करती है कि वो कैश में बेचेगी कि क्रेडिट में बेचेगी, तो ये बिक्री की शर्तें होती है। सेकंड हमारा क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस में वो देखेगी अपने उधार के लिए कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, वो प्रक्रिया जो ये निर्धारित करती है, द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर्स विल और विल नॉट पे, कि कस्टमर्स जो है वो पे करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि उधार में खरीदेंगे कि नकद में खरीदेंगे। और कलेक्शन पॉलिसी क्या होती है, कलेक्ट करने की पॉलिसी, इनकी प्रोसीजर, वो प्रक्रिया फॉलोड बाय फर्म के द्वारा अपनाई गई वो प्रक्रिया इन कलेक्टिंग अकाउंटिंग रिसीवेबल्स, यानी कि जो उधार में उन्होंने बेच दिया है वो पैसा वो कैसे निकलवाएगी फर्म। तो कंपोनेंट इसके 3 ही होते हैं, अदर ऑप्शन में 3 आ गए थे, टर्म ऑफ सेल्स थी फर्म की, सेकंड पे था क्रेडिट एनालिसिस था, और नंबर 3rd पे कलेक्शन पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, बिक्री की शर्तें, टर्म ऑफ सेल, सेकंड है हमारा क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट का विश्लेषण करना, उधार का विश्लेषण करना, और नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन पॉलिसी यानी कि संग्रह नीति। 3 कंपोनेंट है हमारी क्रेडिट पॉलिसी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, अब तो आगे के भी कौन सा नहीं है, अगली बार क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ क्रेडिट पॉलिसी, एक फर्म की क्रेडिट पॉलिसी का कॉम्पोनेंट कौन सा है। तो जो है अगर वो याद कर रखें, तो जो है और नहीं है दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127 क्वेश्चन, कि द सिस्टमैटिक कलेक्शन इवेल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब इज कॉल्ड, यानी कि सिस्टमैटिक कलेक्शन क्या होता है, कि नौकरियों के बारे में जानकारी का व्यवस्थित संग्रह, क्या सिस्टमैटिक कलेक्शन क्या, व्यवस्थित संग्रह, इवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, एंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब इज कॉल्ड, जॉब के बारे में जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करना, उसको इवेल्यूएट करना और उसको ऑर्गेनाइजेशन करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा जॉब एनालिसिस कहलाता है। जॉब एनालिसिस काम का विश्लेषण, यानी कि जॉब के बारे में हमने सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्शन किया है, पहले इकट्ठा किया सारे डाटा को, इवेल्यूएट किया है और फिर ऑर्गेनाइजेशन किया उन सारे इन्फॉर्मेशन की, तो उसे क्या कहेंगे, जॉब एनालिसिस। अदर ऑप्शन पर देखिए क्या है, अदर ऑप्शन में हमारा सबसे पहले है जॉब इवेल्यूएशन। ठीक है, हमारा आंसर तो था कि वो क्या था, जॉब एनालिसिस। अब हमारा ऑप्शन में है जॉब इवेल्यूएशन, यानी कि जॉब का मूल्यांकन करना। देखो मेन लाइन इसमें क्या है कि जॉब इवेल्यूएशन इज द रेटिंग ऑफ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ना जितने भी जॉब होते हैं उसको रेटिंग देना जॉब इवेल्यूएशन होता है। जॉब इवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेसेसरी स्किल्स, आउटकम्स एंड वर्क एनवायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एक जो निश्चित जॉब है ना उसके बारे में इकट्ठी की जानकारी इकट्ठी करने की वो प्रक्रिया। इसमें पता लगता है कि
ड्यूटीज़ क्या है उस जॉब करने के लिए, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नेसेसरी स्किल्स कौन कौन सी चाहिएगी, आउटकम क्या होगा एंड वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा हमारा पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो जॉब इवैल्यूएशन है। जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ रेटिंग ऑफ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो कि दो कंपनी में बंदे ने जॉब देखी है, तो वो यहाँ पे ये मूल्यांकन कर रहा है कि उस फर्म में कितना सैलरी पैकेज है, ए में कितना है, बी में कितना है, वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसा है। तो ये जॉब मूल्यांकन क्या होता है, हमारे जॉब के बारे में इवैल्यूएशन करना, सारी इन्फॉर्मेशन जिनके भी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, नेसेसरी स्किल्स क्या है, सेम जॉब है दो कंपनीज़ में तो दोनों के बारे में वो मूल्यांकन करके देखता है, रेटिंग देता है कि एक कंपनी के लिए क्या है, दूसरी के लिए क्या है। नेक्स्ट देखो जॉब डिस्क्रिप्शन, और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ना जॉब स्पेसिफिकेशन, वो डिस्क्रिप्शन में से ही निकला है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस, जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। विद द राइट इन्फॉर्मेशन इट शुड हेल्प एप्लीकेंट्स टू डिटरमाइन वेदर द रोल इज इन लाइन विद देयर स्किल सेट, ये देखते हैं, इट शुड हेल्प एप्लीकेंट्स जो आवेदक हैं उनकी हेल्प करता है टू डिटरमाइन, ये निश्चित करने में कि वेदर द रोल इज इन लाइन विद देयर स्किल सेट, कि यहाँ पे जो रोल है यानी कि जो जॉब है उसमें आपके स्किल जो है वो फिट हो पाएंगे कि नहीं, एंड वेदर इट इज़ अ जॉब दे एक्चुअली वॉन्ट टू डू, और ये क्या वाकई वो जॉब है जो वो करना चाहते हैं। जैसे कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, कहाँ पे है ये हमारा ऑफिस, फिजिकल एनवायरनमेंट हमें कैसा मिलेगा, कोवर्कर्स कैसे हैं, ऑफिसर्स कैसे हैं, कितने हैं, सैलरीज क्या है, फैसिलिटी क्या मिलेंगी, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स, भविष्य की संभावनाएं देखी जाती है, वेकेशन से छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, काम करने घंटे कितने हैं, छुट्टी के घंटे कितने हैं, ठीक है, ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन है जॉब के बारे में तो वो क्या कहलाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन कृत्रिम विवरण। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज टर्म ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की सारी शर्तें होती है, यहाँ पे जॉब के बारे में पूरी फुल टू एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसको जो है वो क्या टर्म ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, ये वाले सारे ऑप्शन दोबारा से ऑप्शन में आ सकते हैं। तो यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन को कहा जाता है टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा, जॉब की इवैल्यूएशन करना, सेकेंड हमारा जॉब का डिस्क्रिप्शन, और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन, पर्सनल ट्रेड्स, स्किल्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि एक जॉब को करने के लिए एक इंडिविजुअल में जो जो योग्यताएं, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी, पर्सनल ट्रेड्स उसमें कौन कौन से गुण हैं, उसके कौशल क्या है, ये सारे जो है जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। देखो दीज में इंक्लूड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एज, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अदर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, दे फॉर्म द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ जॉब स्पेसिफिकेशन से हमें क्या पता लगता है कि काम को करने के लिए, जॉब को करने के लिए बंदे के अंदर कम से कम क्या योग्यताएं होनी चाहिए, विच द कैंडिडेट मस्ट हैव फॉर द अपॉइंटमेंट वे जॉब, अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये जो स्पेसिफिकेशन का क्लियर इंडिकेशन होता है ना, अब जैसे टीचिंग का प्रोफेशन है उसके लिए अलग से ये बोल दिया जाए कि भाई एम कॉम जैसे कॉमर्स एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए एम कॉम बीएड चाहिए, तो एम कॉम बीएड जिसके पास है वो ही अप्लाई करेंगे ना, बाकी सारे छोड़ देंगे उसको। हेल्प इन जनरेटिंग एलिजिबल एप्लीकेशन, ठीक है, जो एलिजिबल एप्लीकेशन है वो ही आएंगी, बिकॉज ऑफ सेल्फ सिलेक्शन बंदे को खुद ही पता लग जाता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है जॉब स्पेसिफिकेशन से। तो द कैंडिडेट हु डू नॉट प्रोसेस दोज क्वालिफिकेशन डू नॉट देयर क्वालिफिकेशन डू नॉट अप्लाई, वो करेंगे ही नहीं अप्लाई, ठीक है, जिन बंदों की क्वालिफिकेशन ही नहीं है फिर वो अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या हो जाता है, एक बंदे के अंदर जॉब को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ये हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 क्वेश्चन है आज का, तीसरा क्वेश्चन कि सोर्स ऑफ पावर डिपेंड ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट इज, कि हमारा शक्ति का वो स्रोत जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फियर थ्रेट डर धमकी और पनिशमेंट डर के ऊपर जो डिपेंड करता है वो कौन सा होता है। यहाँ पे आसान था हमारा ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन है वो चूज़ करना, क्योंकि फर्स्ट था हमारा कोर्सिव पावर उत्पीड़क शक्ति, क्योंकि ये उत्पीड़न में ही होता है ना किसी को डर दिखा के, जैसे एक सेल्समैन को टारगेट कर दिया फिक्स कि अगर इतने की सेल कर दी तो नौकरी मिल जाएगी, अदरवाइज नौकरी गई समझो, तो ये क्या है उसको डर दिखा के उसे काम करवाया, तो ये हमारा उत्पीड़क शक्ति के अंदर आ जाता है। अब देखो बाकी के सोर्सेज कौन से होते हैं, सोर्सेज ऑफ पावर को ना दो तरीके से बांटा गया है, एक तो होती है हमारी फॉर्मल पावर्स और एक होती है हमारी पर्सनल पावर्स, ठीक है। फॉर्मल पावर्स में तो तीन आ जाती है, एक तो ये
उत्पीड़क शक्ति, एक है हमारी लेगिटिमेट पावर यानी कि वैध शक्ति, और इसे क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजिशन पावर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भी कौन सी पावर को पोजिशन पावर कहते हैं, क्योंकि ये लेगिटिमेट पावर होती है। लेगिटिमेट पावर इज पावर दैट कम्स फ्रॉम वंस ऑर्गेनाइजेशनल रोल और पोजिशन, यानी कि एक बंदे के ऑर्गेनाइजेशनल रोल के कारण जो सी पावर आ जाती है वो होती है। जैसे CEO है, हु डिटरमाइन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में देखता है, ओवरऑल डायरेक्शन को देखता है CEO। ये क्या होता है, उसकी उसने अपनी पावर के कारण ही तो उसे ये अथॉरिटी मिली कि वो सारी ये चीज़ें देखे कंपनी की। तो ये हमारी पोजिशनल पावर हो जाती है, लेगिटिमेट पावर, वैध शक्ति। सेकेंड हमारी रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर क्या होती है कि डिपेंड ऑन बोनस, प्रमोशन। जिस बंदे को अगर बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, तो वो उसके लिए ताकत का काम करेगा ना, उसके लिए क्या कहते हैं, मोटिवेशन का काम करेगा, वो और भी अच्छा काम करेगा। कोई रिवार्ड से काम करता है, फर्स्ट में क्या था, उत्पीड़न से काम किया, ठीक है, डर था उसके अंदर, अगर काम नहीं करा तो उसकी नौकरी चली जाएगी सेल्समैन की, तो वहाँ पे उसने डर से काम किया। तो ये हमारे तीन क्या थे, फॉर्मल पावर्स थे। अब नेक्स्ट हमारे दो आ जाते हैं हमारे पर्सनल पावर्स। इसमें फर्स्ट हमारा एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होती है, एक्सपर्ट पावर कम्स फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस, एक बंदे के एक्सपीरियंस के कारण जो उसके हाथ में पावर होती है, स्किल और नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज एन एक्सपर्ट एट सोल्विंग पर्टिकुलरली चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एक्सपर्ट है बिल्कुल पावर को, प्रॉब्लम्स को चैलेंज करने में, टू एंश्योर ए प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक। तो वो आराम से बता सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो रेफरेंट पावर क्या होती है, हमारा रेफरेंट, देखो रेफरेंस से हमारा रेफरेंट पावर निकली है, संदर्भ की पावर। कम्स फ्रॉम बींग ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड, ये पावर क्या होती है कि एक बंदा ना कितनों के द्वारा आदरणीय है, कितने लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वी कैन गेन रेफरेंट पावर, हम इस रेफरेंट पावर का उपयोग कब कर सकते हैं, कब इसके लाभ उठा सकते हैं, व्हेन अदर्स ट्रस्ट व्हाट वी डू एंड रिस्पेक्ट अस फॉर हाउ वी हैंडल सिचुएशंस, कि हम सिचुएशन को जितने अच्छे से हैंडल करते हैं, दूसरा हमारे ऊपर जितना विश्वास करता है, जितनी बार रिस्पेक्ट करता है, वो हमारी रेफरेंट पावर हो जाती है, ठीक है। तो ये पावर, सोर्स ऑफ पावर कौन से, पांच तरह के होते हैं, तीन हमारे होते हैं हमारे फॉर्मल पावर और दो हमारे क्या होते हैं, पर्सनल पावर। फॉर्मल में कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे को की पावर, उत्पीड़क शक्ति है, लेगिटिमेट पावर जिसको हम बोलते हैं पोजिशन पावर, और थर्ड हमारे रिवार्ड पावर, ठीक है। और ये हमारे जो पर्सनल पावर में एक्सपर्ट पावर एंड डिफरेंट पावर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होगी, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस बना पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, लोगों को बताना कि उन्हें क्या करना है और फिर ये देखना कि वो अपनी योग्यता से उसे सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया लोगों को कि उन्हें क्या करना है और फिर देखते भी रहना कि वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, और बीच बीच में उन्हें फिर गाइड भी किया जाता है। आजकल की डायरेक्शन में का स्कोप जो है वो बहुत ही वाइड हो गया है, डायरेक्शन में सिर्फ काम करके देखा नहीं जाता, बीच बीच में उन्हें थोड़ी बहुत अगर गाइड करना पड़े तो गाइड भी किया जाता है, ठीक है। अगर अदर ऑप्शन में क्या था हमारा, मोटिवेशन में ये थोड़ी बताया जाता तुम्हें क्या करना है और फिर चुपचाप से देखना कि वो उसे कर रहे हैं कि नहीं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, उस प्रक्रिया से या जो लोगों में वांछित उद्देश्य प्राप्ति है तो उत्तेजना पैदा करती है, मोटिवेट करती है। जैसे अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देंगे, इनकी मोटिवेशन क्या होता है, वांछित उद्देश्य एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। आप जो हम उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, उत्तेजना पैदा करना काम करने की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि समन्वय, सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, ठीक है। क्योंकि सारे ही इंटर रिलेटेड होते हैं, कैश, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, सारे ही डिपार्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जब उनको उनकी जो रिलेटिवनेस है, जो उनके बीच में जो संबंध है, जो अगर उनको अच्छे से बता दिया जाए कि आप लोग एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के साथ मिलकर आप जितना अच्छा काम करेंगे, एक संस्था उतना ही आगे बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज़्यादा सफल होगी, तो और भी अच्छे से वो लोग काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा अप्रेजल, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के
मूल्य या गुणों को अनुमान लगाने का कार्य हमारा मूल्यांकन कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य गुणों को अनुमान लगाने का कार्य मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि लोगों को बताना कि क्या करना है, फिर वो जो आप देखना कि वो सर्वोत्तम ढंग से कर दिया कि नहीं, वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन। अदर ऑप्शन में था हमारा मोटिवेशन, नेक्स्ट था कोऑर्डिनेशन और नेक्स्ट था हमारा अप्रेजल। ठीक है, आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज। एक परिकल्पना कर ली, सत्य परिकल्पना, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, टाइप वन एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट में भी और इसमें भी, एचटेट में भी। द एरर ऑफ, पहले एक परिकल्पना करी, एक अनुमान लगाया वो सत्य था लेकिन उसे गलती से रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, टाइप वन की एरर। टाइप वन एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आ सकता है कि ये किसको कहा जाता है, टाइप वन एरर को क्या कहा जाता है, फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ थी और उसको भी फॉल्स कर दिया, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और इफ ये कब होती है, हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, परिकल्पना को यानी कि जो हमने अनुमान लगाया उसे हमने रिजेक्ट कर दिया, व्हेन इट इज ट्रू, सच था फिर भी रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप वन की एरर होगी। हमारे ऑप्शन में था हमारा टाइप टू एरर, टाइप टू एरर बिल्कुल उसके अपोजिट है, वो था फॉल्स पॉजिटिव, ये है फॉल्स नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चीज़ थी। इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट कर लिया व्हेन इट इज फॉल्स, गलत थी परिकल्पना लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट में क्या था कि ठीक थी परिकल्पना लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया, और यह गलत थी लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप टू की एरर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा टी टेस्ट है, टी टेस्ट क्या होता है, देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमारे द एरर ऑफ रिजेक्टिंग, यानी कि एरर पूछी थी, एरर तो दो ही ऑप्शन में थी, टाइप वन एंड टाइप टू, ये बाद में टेस्ट दे रखे हैं, थोड़ा सा मीनिंग लिख दें यहाँ पे भी। टी टेस्ट क्या था, द टी टेस्ट टेल्स यू नो हाउ सिग्निफिकेंट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स आर विच मे बी रिलेटेड इन सर्टेन फीचर्स, यानी कि दो ग्रुप हैं जिनके जो सर्टेन फीचर्स में आपस में रिलेट करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, वो हमें टी टेस्ट से पता लगता है। इनकी दो ग्रुप जो सर्टेन फीचर्स से आपस में रिलेट कर रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है, टी टेस्ट से हमें पता लगेगा। और काई स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, काई स्क्वेयर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारा, इट ऑल्सो नोन एज काई स्क्वेयर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, काई स्क्वेयर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, और काई स्क्वेयर का प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था, और इस ये जो है ना कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वेयर का प्रयोग किया था, बहुत बार आया भी पेपर में। और इस टेस्ट से पता लगता है कि जो हमारी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसमें जो डिफरेंस है वो सार्थक है कि नहीं है। यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो आता है ना तो हमारे काई स्क्वेयर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और काई स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारा सिग्मा ओ माइनस ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक एक्स, वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सपेक्ट होती है, उनका डिफरेंस करके फिर जो आई है वैल्यू उसका स्क्वेयर करके डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड करके उसका फिर समेशन करेंगे तो हमारा काई स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेस पे यहाँ कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी 5 क्वेश्चन को सोल्व करने में। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।